विवादी ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूत करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे, राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो। अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताजुब होता है, लोग हंसते हैं। अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे? और अगर एक एक करके इनके काले कारनामों को निकालना प्रारंभ कर देंगे, जो भदरसा में इन्होंने किया था, कैसे वहां पर इन्होंने जमीनों को कब्जा किया हुआ था, ये 64,000 हेक्टेयर लैंड जो अवैध कब्जों से इनकी मुक्त कराई गई है, जब ये सारा चिट्ठा सामने आएगा ना, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आज तो अयोध्या में आप आइए, चाहे वह अयोध्या का राम जन्मभूमि का पथ हो 4 लेन का, चाहे वह भक्ति पथ हो 4 लेन का, चाहे वह जन्मभूमि पथ हो 4 लेन का, चाहे वह एयरपोर्ट का पथ हो 4 लेन का, चाहे वह अयोध्या को जोड़ने वाला कोई भी मार्ग, अमेठी रायबरेली का हो, प्रयागराज का हो, लखनऊ का हो, गोरखपुर का हो, ये सभी आज 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। अयोध्या, किसी ने सोचा था अयोध्या में? किसी ने सोचा था अयोध्या में? कोई सोचा था अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा? बहन और भाइयों, हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान से अयोध्या धाम में आए थे प्रभु राम, हजारों वर्ष पहले आए थे। लेकिन बहनों और भाइयों, कभी भी कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, अयोध्या में फिर से एयरपोर्ट बने, हमारा अयोध्या दुनिया की कनेक्टिविटी से जुड़ जाए, कभी भी इनके मन में यह भाव कभी नहीं आया। आज 821 एकड़ लैंड पर आज आपने देखा होगा अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, परेशानी समाजवादी पार्टी को। अयोध्या में विकास क्यों हो रहा है, यह परेशानी उनकी है। आज अयोध्या में देश के लिए कनेक्टिविटी है और कुछ ही दिनों के बाद इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या जुड़ने वाला है। जब अयोध्या के लिए सौभाग्य आया, इन रामद्रोहियों को तो परेशानी होगी ही होगी, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? ये लोग वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किया था, आज भी वही कर रहे हैं, आगे भी ये वही करेंगे, और इसीलिए कुछ नहीं मिलता। कहते हैं वही जो इनके काले कारनामे इनके गुर्गे करते रहे हैं, वही आज भी वही बोल रहे हैं कि साहब जमीन का घोटाला हुआ है, गरीब वहां पे किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। एक भी कोई मामला ऐसा नहीं हो सकता जिसमें किसी व्यक्ति को मुआवजा ना मिला हो और विकास की योजना दिखाई दे रही। अयोध्या आप जाइए, 17 के पहले के अयोध्या को देखिए, आज के अयोध्या को देखेंगे ये लोग, इनकी आंखें चौधिया जाएंगी। बहन और भाइयों, ये नई अयोध्या विकास के लिए नहीं, अब देश की पहली सोलर सिटी भी बन रही है। सोलर सिटी, भगवान सूर्य की रोशनी से यहां की लाइट जगमगाएगी। एक नई अयोध्या, सूर्य वंश की राजधानी, आज बहनों और भाइयों सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदि है, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास दिन के एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है, और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके
चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने, माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुईन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोही में भी इनका एक विधायक, भदोही का कारनामा भी इनका देखिए, हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या, समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया। और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं।